राजकुमार कोडा को बैजनाथ का नव नियुक्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें बधाइयां देने के लिए तांता लगा रहा और कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक किशोरी लाल विशेष तौर पर मौजूद रहे और इस मौके पर नव नियुक्त अध्यक्ष राजकुमार कोडा और विधायक ने पत्रकारों को भी संबोधित किया। राजकुमार कोड़ा ने अपनी नियुक्ति पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और स्थानीय विधायक किशोरी लाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी जो भी टीम बनेगी वो पूरे बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए नए व पुराने कार्यकर्ताओं को संगठित कर कांग्रेस पार्टी को भविष्य में जीत दिलवाने के लिए काम करेगी। कमेटी का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है जिसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह सुखविंदर सिंह जी सुखू जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, श्री किशोरी लाल जी जो हमारे स्थानीय विधायक हैं और इस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे कबीना मंत्री श्री सुधीर शर्मा जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन लोगों ने जो मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है मैं उस विश्वास को पूरी ईमानदारी के साथ सारे मतभेदों को भुलाकर क्षेत्रवाद को भुलाकर सबको संगठित करके साथ में चलाकर कांग्रेस पार्टी को ऊपर की ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ में सबका धन्यवाद। विधायक किशोरी लाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 1.5 वर्ष के कार्यकाल में इस क्षेत्र में चहुंमुखी विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि बैजनाथ की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए बाईपास का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा, जिसे खीरगंगा घाट से ओवरहेड ब्रिज बनाकर शहर से बाहर तारापुरी तक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक शिव मंदिर के पास हो रहे भूस्खलन को रोकने के लिए सरकार ने 40 लाख रुपए की धनराशि मंजूर कर दी है और सड़कों व पुलों के निर्माण के लिए 21 करोड़ रुपए मंजूर कर दिया गया है। यहाँ पर विकास के 1.5 साल में काफ़ी आयाम स्थापित किए गए हैं, विकास को गति मिली है, सड़कें बन रही हैं, पानी की स्कीमें जो हैं मंजूर हुई हैं, नए हैंडपंप लगे हैं, जहाँ बिजली की समस्या है दूर हुई है, बैजनाथ हॉस्पिटल में डॉक्टरों की समस्या दूर हुई है, इलाका में चहुंमुखी विकास जो है वो चल रहा है, लोगों को कोई समस्या नहीं है और 24 घंटे मेरी उपलब्धता यहाँ रहती है। मेरा कोई मिलने का समय नहीं, जब भी चाहे कोई मुझसे मिल सकता है। मैं लोगों की समस्याओं को हल कर रहा हूँ क्योंकि ग्रामीण इलाके के लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें भलीभांति जानता हूँ, उन्हें बखूबी निभा रहा हूँ और आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से बैजनाथ विधानसभा चुनाव क्षेत्र में हाल ही में 21 करोड़ रुपये के नए सड़कों के काम जो हैं वो शुरू हो गए हैं। इससे पूरे चुनाव क्षेत्र की जो सड़कें हैं वो अच्छी होंगी, लोगों को उससे सुविधा मिलेगी। यहाँ जो बसों के रूट कई सालों से बंद थे उन्हें भी सुचारू ढंग से चलाया जा रहा है। बैजनाथ से दिल्ली के लिए नई डीलक्स बसेस यहाँ से शुरू हुई हैं और इसका लाभ यहाँ की जनता को मिल रहा है। मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा इलाका में चहुंमुखी विकास हो, यही मेरा प्रयत्न है, यही प्रयास मेरा रहेगा। इसके लिए ये इलाका की जनता है वो बधाई की पात्र है, इसके लिए मैं सभी का मान सम्मान करता हूँ। जय हिंद, जय हिमा। बाईपास मंजूर हो चुका है। जहाँ तक बैजनाथ बाजार का प्रश्न है, मेरा जो मानना है कि खिरगंगा से तारापुरी बाजार तक ओवरहेड ब्रिज बने ताकि बाजार हमारा बचा रहे और मंदिर के साथ साथ ओवरहेड ब्रिज बनता है तो मंदिर की भी शोभा बढ़ेगी और यहाँ की लैड स्लाइडिंग जो है वो भी रुकेगी। आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से मंदिर की प्रोडक्शन के लिए भी धन मंजूर हो चुका है जिसका काम यहाँ शुरू हो गया है। के न्यूज़ के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट।